Next topic regarding break statement and or we can say switch, sorry, loops versus break statement. Break statement generally switch statement ke case mein bhi use kiya tha, looping statements ke andar bhi use karna possible hai. Switch ke case mein discuss kiya tha, break statement ya to switch ke body ke case mein use karna possible ya fir inside body of loops. In switch statement, break statement outside body of switch or outside body of loop कभी भी use करना possible नहीं directly. इस या तो loop के body part में write करूँ या फिर switch के body part में write करेंगे. इसे switch and break statement already discuss कर चुके. Next one क्या है? Loops and break statement. Break statement का generally working क्या है? It is used to terminate execution of the body of loops. इस लूप के रिस्पेक्ट में ब्रेक का वर्किंग क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ लूप्स. जनरली किसी भी लूप का बॉडी सेशन एग्जीक्यूट को होता है व्हेनेवर कंडीशन इज ट्रू, प्लस इसका बॉडी पार्ट एक बार एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया देन कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक कंडीशन ट्रू है. और सपोज दैट अनकंडीशनली अगर किसी भी लूप को टर्मिनेट करना है, लूप को ब्रेक करना है, देन यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट. ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप के साथ भी यूज करना पॉसिबल, व्हाइल लूप के साथ भी यूज करना पॉसिबल, डू व्हाइल लूप के साथ भी यूज करना पॉसिबल. ब्रेक के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए, इसके रिस्पेक्ट में राइट करें जस्ट फ्लो चार्ट डायग्राम्स. इस ब्रेक का जनरली वर्किंग क्या है? इट विल अल्टर्स बिहेवियर ऑफ द और एग्जीक्यूशन बिहेवियर ऑफ लूप्स. लूप के केसेस में जस्ट ब्रेक का वर्किंग क्या रहेगा? अल्टरिंग एग्जीक्यूशन बिहेवियर ऑफ द लूप्स. जनरली नॉर्मल लूप का बिहेवियर क्या रहता है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सेशन. लेकिन इस केस में अभी तक कंट्रोल एग्जीक्यूशन कंट्रोल लूप से बाहर कब सेंड होता है? व्हेनेवर कंडीशन बिकम्स फॉल्स. लेकिन कंट्रोल लूप से बाहर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करे भी सेंड करना पॉसिबल है. ब्रेक डायरेक्टली भी यूज करना पॉसिबल है और इफ के फॉर्म में भी यूज करना पॉसिबल. व्हाट इज द फ्लो चार्ट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल वन और वी कैन से फोर लूप. फोर लूप्स के रिस्पेक्ट में जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले चांस किसको प्रोवाइड हुआ? स्टेटमेंट एस जीरो. स्टेटमेंट एस जीरो, स्टेटमेंट एस जीरो एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद सेकेंड केस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ? ऑलरेडी डिस्कस किया प्रीवियस केस में इनिशियलाइजेशन सेशन. करंटली इनिशियलाइजेशन सेशन में ओनली सिंगल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया एस वन. एस वन एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद देन नेक्स्ट केस में कंट्रोल सेंड हुआ इन प्लेस ऑफ कंडीशन टेस्टिंग. सेकंड केस में परफॉर्म किया हो रहा कंडीशन टेस्टिंग रिस्पेक्ट टू लूप्स. मीन्स लूप के केस में कंडीशन टेस्ट हुआ, इसको सीक्वेंस मार्क करना है 3 1 2 3. कंडीशन टेस्ट होने के बाद कंडीशन के केस में टू पॉसिबल केस होंगे, आइदर ट्रू और फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू है, इस इन केस ऑफ कंडीशन इज ट्रू, देन चांस किसको प्रोवाइड हुआ? स्टेटमेंट एस थ्री, इसलिए इसको मार्क करें सिक्वेंस 4. दूसरा पॉसिबल केस क्या हो? कंडीशन फॉल्स. कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल सेंड करें डायरेक्टली एस फाइव. पहले मैं ट्रू के रिस्पेक्ट में इंप्लीमेंट करूँ वेन एवर कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? इनसाइड बॉडी ऑफ लूप. बॉडी के केस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ? स्टेटमेंट एस थ्री. एस थ्री के जस्ट बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्वेंस में परफॉर्म किया हुआ कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन टेस्ट करेंगे देन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगेन नेक्स्ट टाइम कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में? लूप्स और इफ विद रिस्पेक्ट टू इफ. जब इफ कंडीशन टेस्ट करें इफ के केस में टू पॉसिबल केस होंगे, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स. और इस केस में कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको प्रोवाइड हुआ? ब्रेक स्टेटमेंट. और ब्रेक के अकॉर्डिंग कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. मीन्स इस केस में एस फोर को चांस प्रोवाइड हुआ. दूसरा पॉसिबल केस क्या? कंडीशन ये केस कब है? एन एवर कंडीशन इज ट्रू. अगर कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ मीन्स एस फोर. देन अगेन टू पॉसिबल केस होंगे कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. कंडीशन ट्रू है देन ब्रेक इफ कंडीशन इज ट्रू. अदर केस क्या? कंडीशन इज फॉल्स. ट्रू होने केस में कंट्रोल कहाँ सेंड होगा? टू द स्टेटमेंट एस फाइव. इस एंड प्लेस पर इंप्लीमेंट करना है एस फाइव स्टेटमेंट. ब्रेक के केस में जस्ट कंट्रोल सेंड होगा टू द एस फाइव. दूसरा केस कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल कहाँ सेंड होगा? एस फोर. और एस फोर के बाद भी कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? अगेन आउटसाइड बॉडी ऑफ लूम इज एस फाइव. नेक्स्ट पॉसिबल केस क्या हुआ? एस फोर. और एस फोर के जस्ट बाद भी कंट्रोल कहाँ सेंड हो रहा है? मीन्स अगेन एस फाइव. दिस इज द फर्स्ट केस. बट सपोज दैट अगर फोर लूप के केस में कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के केस में कंट्रोल कहाँ सेंड होगा? डायरेक्टली आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप मीन्स एस फाइव. कंडीशन फॉल्स होने के केस में कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? टू द एस फाइव. वन मोर थिंग्स, एस फोर के केस में, सॉरी इस केस में मिस्टेक किया है. अगर कंडीशन
ट्रू है, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है देन चांस किसको मिलेगा इस केस में, एस फोर स्टेटमेंट, इस कंडीशन फॉल्स होने के इसमें ब्रेक को चांस नहीं लगा, ब्रेक को चांस मिलता है ब्रेक का वर्किंग क्या रहता है जनरली इस लूप के बॉडी और एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करना, अगर कंडीशन फॉल्स है देन ब्रेक इस केस में एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ देन चांस किसको मिला एस फोर, एस फोर इस लूप का लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के जस्ट बाद कंट्रोल कांस्टेंट होता है टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन मीन्स एस टू, इस केस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ स्टेटमेंट एस टू टू द एस टू स्टेटमेंट, स्पेस का मैंने स्टार्स पर ऐड कर दिया और एस टू स्टेटमेंट कंप्लीट होने के जस्ट बाद अगेन कंट्रोल कांस्टेंट हो कंडीशन टेस्टिंग इज दैट वन, अगेन कंट्रोल कांस्टेंट करेंगे कंडीशन टेस्टिंग, दिस इज द एग्जीक्यूशन फ्लो डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू गिवन केस, सेम एज पहले इसको कॉपी कर लूँ मैं इसको क्लियर करूंगा मीन्स देन इम्प्लीमेंट करें व्हाइल लूप मीन्स सेम एग्जाम्पल और बिहेवियर ऑफ द लूप विद रिस्पेक्ट टू व्हाइल, इस जब भी किसी भी लूप के केस में ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर को ब्रेक का वर्किंग क्या है एग्जीक्यूशन कंट्रोल को बॉडी पार्ट से बाहर सेंड करना, इस व्हाइल के केस में जैसे ब्रेक को चांस मिलेगा देन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप और लूप के बाद प्रोवाइड कर रहा है एस थ्री, सेम है डू व्हाइल के केस में जैसे ब्रेक स्टेटमेंट को चांस मिलेगा कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप मीन्स एस थ्री लाइक दैट, देन एग्जीक्यूशन फ्लो डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू के केस में सबसे पहले अगेन एग्जीक्यूशन किसको प्रोवाइड हुआ एस जीरो, देन सेकेंड केस कंडीशन टेस्टिंग, सेकेंड केस में परफॉर्म कर रहा व्हाइल कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन इज टेस्टेड, कंडीशंस के केस में टू पॉसिबल केस होंगे आइदर ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड बॉडी, बॉडी के केस में थर्ड केस में चांस किसको मिलेगा एस वन स्टेटमेंट, एस वन एग्जीक्यूट होने के बाद चांस किसको मिलेगा अगेन फोर्थ केस में इफ कंडीशन टेस्टिंग, एस वन के जस्ट बाद अगेन क्या है कंडीशन टेस्टिंग मीन्स इफ कंडीशन, इफ कंडीशंस के केसेस में टू पॉसिबल केस होंगे कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, अगर इफ कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको मिलेगा बॉडी ऑफ इफ देन ब्रेक स्टेटमेंट, अगर इस केस में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है देन ब्रेक के अकॉर्डिंग कंट्रोल कहाँ सेंड करेंगे आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप और बॉडी ऑफ व्हाइल मीन्स एस थ्री, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट क्या हुआ इस केस में एस थ्री, मीन्स इन केस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, अगर ब्रेक को चांस मिलेगा देन कंट्रोल कांस्टेंट हुआ डायरेक्टली एस थ्री, और ब्रेक को चांस कब मिलेगा जब इफ कंडीशन ट्रू हुआ, दूसरा पॉसिबल केस क्या है इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल कांस्टेंट हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ मीन्स एस टू, इसके जस्ट बाद चांस किसको मिलेगा एस टू स्टेटमेंट, एंड एस टू इस लूप का लास्ट स्टेटमेंट है, किसी भी लूप का लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कांस्टेंट हुआ अगेन व्हाइल के केस में कंट्रोल कांस्टेंट करेंगे मीन्स कंडीशन टेस्टिंग, देन अगेन कंट्रोल सेंड हुआ टू द कंडीशन टेस्टिंग, फिर से कंडीशन टेस्ट होता है सेम बिहेवियर फॉलो होगा, अगर व्हाइल के केस में कंडीशन फॉल्स है फॉल्स होने के केस में कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप मीन्स विच इज स्टेटमेंट एस थ्री, दिस इज द फ्लो चार्ट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू गिवन एग्जाम्पल रिस्पेक्ट टू व्हाइल लूप, सेम एज व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ रिस्पेक्ट टू डू व्हाइल, डू व्हाइल के केसेस में भी ऑलमोस्ट बिहेवियर कैसा हुआ सेम, लेकिन इस केस में व्हाइल कंडीशन कब टेस्ट हुआ बिगिनिंग में और बाद में ना कि बिगिनिंग में मीन्स, देन नेक्स्ट फ्लो चार्ट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल थ्री, इसको कॉपी कर लेना, मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी लूप में प्रोवाइड करो जब भी ब्रेक को चांस मिलेगा देन कंट्रोल इमीडिएटली कहाँ सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, दिस द सिंपल बिहेवियर ऑफ एनी ब्रेक स्टेटमेंट, देन अगेन इस केस में सबसे पहले चांस किसको मिलेगा स्टेटमेंट एस जीरो, दिस वन इज अ फ्लोचार्ट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल थ्री, एस जीरो के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हो रहा है इनसाइड बॉडी, बॉडी सेशन में डायरेक्टली स्टेटमेंट कौन सा फाउंड हो रहा है स्टेटमेंट एस वन, स्टेटमेंट एस वन, एस वन के जस्ट बाद इफ कंडीशन टेस्टिंग, इस केस में कंडीशन का टाइप क्या है व्हाइल कंडीशन और इफ कंडीशंस, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं सी वन और सी टू मीन्स कंडीशन वन, कंडीशन वन के केस में टू पॉसिबल केस होंगे आइदर कंडीशन वन इज ट्रू और कंडीशन वन इज फॉल्स, और कंडीशन वन ट्रू है देन इस केस में चांस किसको प्रोवाइड हुआ बॉडी ऑफ इफ विच इज ब्रेक स्टेटमेंट विच इज ब्रेक, और ब्रेक के केस में कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ ऑलवेज
आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, मीन्स लूप के बॉडी पार्ट के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, एस थ्री, मीन्स इस केस में कंसीडर करेंगे जो स्टेटमेंट एस थ्री। नेक्स्ट वन, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है, वेन एवर इफ कंडीशन इज फॉल्स, अभी लूप का कंडीशन टेस्ट ही नहीं हुआ बिकॉज अभी ओनली लूप का बॉडी सेशन एग्जीक्यूट हुआ, बॉडी कंप्लीट होने वाला है, टेस्ट क्या हुआ व्हाइल कंडीशन। अभी टेस्ट क्या करेंगे, इफ इफ के केस में अगर कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको मिलेगा ब्रेक, कंडीशन फॉल्स है देन इस केस में चांस किसको मिलेगा आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ, मीन्स एस टू स्टेटमेंट, वेन एवर कंडीशन इज फॉल्स मीन्स एस टू। देन एस टू के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, कंडीशन टेस्टिंग और व्हाइल कंडीशन टेस्टिंग। नेक्स्ट केस में टेस्ट क्या हुआ व्हाइल कंडीशन, व्हाइल कंडीशन टेस्ट करें, इसको मार्क किया था एज कंडीशन टू। व्हाइल के केसेस में टू पॉसिबल केस में कंडीशन ट्रू और फॉल्स, और व्हाइल कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के केस में अगेन देन चांस किसको मिलेगा बॉडी ऑफ लूप, मीन्स फिर से बॉडी पार्ट इटरेट होगा, मीन्स बॉडी पार्ट में क्या है सबसे पहले एस वन, और ट्रू होने के केस में कंट्रोल कहाँ सेंड करेंगे टू द स्टेटमेंट एस वन इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर एक कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल कहाँ सेंड करेंगे एस वन स्टेटमेंट। दूसरा पॉसिबल केस क्या है व्हाइल कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल कहाँ सेंड आउटसाइड बॉडी मीन्स एस थ्री इन केस ऑफ व्हेन एवर कंडीशन इज फॉल्स। द फ्लोचार्ट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू डू व्हाइल एंड ब्रेक स्टेटमेंट्स।